तो देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है। एंटी पेपर लीक कानून का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी की जांच करना है, सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाना और प्रतिस्पर्धा कर रहे युवाओं को गड़बड़ी नहीं होने के लिए आश्वस्त करना है। सरकार ने इसी साल फरवरी में नया कानून बनाया था। भाई आपको यह भी बता दे, परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इसमें कड़े कानून का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक जेल की सजा काट सकते हैं। इसे 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की जेल तक बढ़ाया जा सकता है।